Welcome in day 13 of class 7 science chapter number 4 chemicals and chemical changes. In last video we have started this chapter and discussed about chemical substance and classification of chemical substance. In this video we are going to discuss chemical symbol, significance of chemical symbol and atomicity. ये थ्री टॉपिक हैं जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल सिंबल्स. सबसे पहले हम केमिकल सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो क्या है केमिकल सिंबल्स? एब्रिविएशन जो किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एलिमेंट क्या होता है, अब किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल, जिन एब्रिविएशन का, जिन एब्रिविएशन का हम यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं केमिकल सिंबल्स. जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस ओ है उसका एब्रिविएशन. तो ये क्या है, ओ इज द केमिकल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, मींस किसी भी एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे या फिर उसका जो एब्रिविएशन है वो क्या होगा उसे हम बोलते हैं केमिकल सिंबल्स. देखिए अब पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 100 से भी ज्यादा एलिमेंट है वो असाइन हो चुके हैं या एग्जिस्ट करते हैं नेचर में. अब उन सभी का नेम जो है या फिर उनके केमिकल सिंबल्स जो है वो किसके नेम पर है, या तो प्लैनेट के नेम पे, या कंट्रीज के नेम पे, या फिर साइंटिस्ट के नेम पे जिसने उस एलिमेंट को फाइंड किया. देखते हैं कि जो एब्रिविएशन है किस रूल से हम यूज करते हैं एब्रिविएशन का किसी एलिमेंट के लिए. अब देखो जो एलिमेंट है उनके नेम होंगे इंग्लिश में, जैसे ऑक्सीजन हमने एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन को हमने ओ से डिनोट कर दिया. अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर ले लेंगे एन से. ओके, और देखो कार्बन है, वी यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ कार्बन फॉर द एब्रिविएशन मीन सी, सिंबल ऑफ कार्बन इज सी. और देख लो एग्जांपल कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम डिनोट करेंगे एच से. ठीक है, दीज आर द एलिमेंट विच आर रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट लेटर. मीन्स ये कुछ ऐसे एलिमेंट है या फिर ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिनका एब्रिविएशन या फिर जिनका सिंबल क्या है, ओनली फर्स्ट लेटर. अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनका सिंबल फर्स्ट और सेकंड लेटर है. लेट मी सी द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल कैल्शियम, अगर हम देखें कैल्शियम, कैल्शियम में क्या होगा, इसका सिंबल है Ca, मींस फर्स्ट और सेकंड लेटर. ओके, ये इसका एग्जांपल है ब्रोमीन. व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ ब्रोमीन? Br, फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हीलियम, केमिकल सिंबल इज He. ओके, दीज आर द सम एग्जांपल हूज सिंबल इज फर्स्ट टू लेटर. ओके, इन पीरियोडिक टेबल सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट एंड थर्ड लेटर. मींस कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका केमिकल सिंबल फर्स्ट और थर्ड लेटर है सेकंड को छोड़कर. वो वाले एग्जांपल देखते हैं जिनका सिंबल फर्स्ट और थर्ड लेटर है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन, आप सभी ने सुना होगा क्लोरीन गैस के बारे में, क्लोरीन. अब इसमें देखिए क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर. ओके, जिंक, जिंक सिंबल ऑफ जिंक इज Zn, मींस फर्स्ट एंड थर्ड लेटर. ओके, मैग्नीज, सिंबल ऑफ मैग्नीज इज Mn, मींस फर्स्ट एंड थर्ड लेटर. ठीक है, दीज आर द सम एग्जांपल हूज नेम इज या फिर स्टार्टेड विथ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर या फिर हूज नेम इज रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट एंड थर्ड लेटर. ओके, देर आर सम एग्जांपल हूज केमिकल सिंबल इज बेस्ड ऑन देयर लैटिन नेम. कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनका नेम या फिर जिनका जो केमिकल सिंबल है उनके लैटिन नेम पर बेस्ड है, जैसे गोल्ड. अब गोल्ड है जिससे स्टार्ट हो रहा है, बट इट्स केमिकल सिंबल इज Au, इसके लैटिन नेम के बेस्ड पे है. अब सिल्वर है, ऐसा होना चाहिए, बट इट्स सिंबल इज Ag, इट इज बेस्ड ऑन इट्स
एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर द एब्रीवेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट आर कॉल्ड केमिकल सिंबल। हमने अब देखा कि किस तरह से हम केमिकल सिंबल का यूज करते हैं। अब देखिए कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जिसका केमिकल सिंबल ओनली फर्स्ट लेटर है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका केमिकल सिंबल फर्स्ट और सेकंड लेटर है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका केमिकल सिंबल फर्स्ट और थर्ड लेटर है, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका केमिकल सिंबल उनके लैटिन नेम पर बेस्ड है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर मीन्स गोल्ड का AU, सिल्वर का AG। ओके, लेट मी सी द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट। देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम AL। बेरियम व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ बेरियम BA। बोरोन केमिकल सिंबल ऑफ बोरोन इज B। कैल्शियम CA, कार्बन C, फ्लोरीन F, गोल्ड AU, हीलियम HE, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, लिथियम LI, मैग्नीशियम MG, मर्करी। अब देखिए मर्करी का केमिकल सिंबल HG, इट इज बेस्ड ऑन इट्स लैटिन नेम। ओके, हाइड्राजीरम, नियोन का NE, ओके, नाइट्रोजन का N, अब देखिए पोटेशियम का K, इसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम, सिलिकॉन का SI, सिल्वर का AG, आर्जिनम और सोडियम का क्या है NA, सल्फर का S, क्लोरीन का CL, कॉपर का CU, आयरन का है FE, लेड का PB, ऑक्सीजन O, फॉस्फोरस P, यूरेनियम U, जिंक ZN। सो स्टूडेंट दीज आर द सम केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है केमिकल सिंबल का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल सिंबल। अब देखिए जो केमिकल सिंबल है वो क्या करेगा, वन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर हमने किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखा, फॉर एग्जांपल H4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमने H लिख दिया, तो इट रिप्रेजेंट द वन एटम ऑफ द एलिमेंट। मीन्स ये क्या करेगा, एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा, और क्या है ये एलिमेंट की एब्रीवेशन को डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल O राइट कर दिया हमने, O मीन्स वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यही इसका सिग्निफिकेंस है कि जो केमिकल सिंबल है वो उस एलिमेंट के वन एटम को डिनोट करते हैं। ओके, अब हाइड्रोजन है वो H के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 में, मीन्स ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि H2 में दो H है तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, अगर सिंगल H है तो ये क्या है, एटम है। ओके, तो सिग्निफिकेंस यही हुआ कि अगर सिंपल सिंबल लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये वन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी, एटम्स ऑफ मेनी एलिमेंट कैन नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंटली। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ एलिमेंट के एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या करते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसे कैसे लिखा जाता है, जो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उसे कैसे लिखा जाएगा, सिंबल, और नीचे क्या लिखा जाएगा, एटॉमिसिटी। जैसे हमने हाइड्रोजन का केस देखा था, H2, H क्या था, सिंबल, 2 क्या है उसकी, एटॉमिसिटी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम किसी भी एलिमेंट को जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अब एटॉमिसिटी होती है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 है तो कितने एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, 2, तो दिस इज द एटॉमिसिटी, तो 2 क्या है इसकी, एटॉमिसिटी है। ओके, अब कुछ, ये तो हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल देखा, अब कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो क्या है, मोनोएटॉमिक, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो क्या है, डायएटॉमिक, कुछ ट्राइएटॉमिक, कुछ क्या होते हैं, टेट्राएटॉमिक होते हैं। लेट मी सी द एग्जांपल।
क्या है, ऐसे एलिमेंट जो क्या है, दो या दो से ज्यादा एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है उसकी एटोमिसिटी। या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसी सेम एलिमेंट के, वो क्या होगी एटोमिसिटी। अब हम देखते हैं कि मोनोएटॉमिक क्या होंगे, मोनोएटॉमिक कौन से होंगे एलिमेंट, मॉलिक्यूल जिसमें क्या है एक ही एटम प्रेजेंट हो, एलिमेंट ही हो जाएगा वो। तो जैसे हीलियम, हीलियम जो है एच की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इट इज मोनोएटॉमिक। ओके, लेट मी सी द मोर एग्जांपल, नियोन एनई, ये भी सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सो दिस इज मोनोएटॉमिक। नेक्स्ट वी सी डायटॉमिक, डायटॉमिक अभी हमने एग्जांपल देखा हाइड्रोजन का, दो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एच एंड एच मीन एच टू मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड डायटॉमिक। ओके, ऐसा एलिमेंट जिसमें क्या हो, दो एटम हो, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल में, जैसे एच टू क्या है मॉलिक्यूल हो गया, तो उसके मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम हो गए, तो दिस इज कॉल्ड डायटॉमिक। नेक्स्ट इज टेट्राटॉमिक, टेट्रा का मीन्स क्या होता है फोर। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, सेम एटम हो, फोर मीन्स चार सेम एटम हो, जैसे फास्फोरस है फोर, ये पी फोर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, कैसे एग्जिस्ट करेगा ये, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इस तरह से ये एग्जिस्ट करेगा। फास्फोरस सिंगल पी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये क्या है मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। टेट्राटॉमिक वो कि जिस एलिमेंट में क्या हो, चार सेम एटम हो उसी के मॉलिक्यूल में, उसे हम बोलते हैं टेट्राटॉमिक। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट केमिकल सिंबल, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल सिंबल, एटोमिसिटी, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, टेट्राटॉमिक।